हेलो एवरीवन, आई एम सुरेंद्र कौर। आज हम चैप्टर वन रियल नंबर्स का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में बताया था। 2-3 डेफिनेशन है जो एक बार मैं चाहूंगी कि आप रिकॉल करें। नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपसे पूछूं आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, आपका जवाब होगा 25, 30। इसका मतलब आप 25 और 30 को काउंट कर सकते हैं, तो नेचुरल नंबर हम इसे कहते हैं काउंटिंग नंबर। फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4 इनफाइनाइट। सेकंड, होल नंबर, अगर आप काउंटिंग नंबर में 0 भी ऐड कर लें तो वो कहलाएंगे होल नंबर। फॉर एग्जांपल 0, 1, 2, 3, 4 इनफाइनाइट। थर्ड डेफिनेशन आई एक्सप्लेन, देन आई विल कम टू माय पॉइंट। इंटीजर्स, सभी नेगेटिव नंबर और सभी पॉजिटिव नंबर, और आपको 0 भी इसमें इंक्लूड करना है। फॉर एग्जांपल -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, तो इनको हम कहेंगे इंटीजर्स। इंटीजर अच्छे से समझ आ गया, क्योंकि ये यूक्लिड डिवीजन लेमा में यूज होगा। अब हम आते हैं अपने पॉइंट पे। यूक्लिड डिवीजन लेमा एक डिवीजन मेथड है और इसकी एक कंडीशन है, एचसीएफ निकालने के लिए हम यूज करते हैं डिवीजन मेथड, ईडीएल कंडीशन। ए इक्वल होना चाहिए BQ+RK और 0 <R> B। क्या मीनिंग है इसका, मैं आपको समझाती हूँ। ए और बी पॉजिटिव इंटीजर्स, एक एग्जांपल और देती हूँ। हमारे पास एक नंबर है 7 और हमें इसको डिवाइड करना है 2 से। 2 3 6 और लेस करने के बाद आपके पास बच गया 1। 7 डिविडेंड, 2 इज डिवीजर, 3 इज क्वेश्चन एंड 1 इज रिमाइंडर। ए इक्वल टू, और एक कंडीशन और है कि ए ग्रेटर देन बी, देन इट इज एप्लीकेबल। ए ग्रेटर देन बी एंड दिस इज डिवीजर एंड दिस इज क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन, दिस 3 एंड दिस आर इज रिमाइंडर। नाउ वी विल सॉल्व द सम। 135 एंड 225। 7th या 8th क्लास में आपने डिवीजन तो सीखा ही होगा। सबसे पहले हम एक सिंपल डिवीजन करते हैं और फिर उसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में चेंज करते हैं, एक सीरीज बनाते हैं जिसमें एक टेक्निक होगी। सिंपली डिवीजन 225 आपने इसको डिवाइड करना है 135 से, तो 135 आपके पास बच गया 90। अब आप इसको लिखेंगे कैसे, जब आपने डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करना है एचसीएफ निकालने के लिए, तो आप 225 को
इस फॉर्म में लिखेंगे 225, हेयर ए ग्रेटर देन बी, ए इज आवर 225 और हमारा बी है 135. हमें लिखना है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. दिस इज क्वेश्चन एंड दिस इज योर रिमाइंडर. 135 मल्टीप्लाई 1 एंड प्लस 90. यहां पे हमने डिवीजन का रूल अपनाया है. क्या अपनाया है? डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर. और एक कंडीशन मैंने आपको कल बताई थी, पिछले लेक्चर में बताई थी कि हमें तब तक डिवाइड करना है जब तक आपका आर जीरो ना आ जाए. यहाँ पे आर आपका बचा हुआ है 90, तो अब हमारा डिविडेंड बन जाएगा 135 और डिवीजर हो जाएगा 90. 90 और आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया और आपके पास बच गया 45. इसको कैसे लिखेंगे? 135 इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस 45. वी हैव राइट इन द फॉर्म ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. अब फिर देखिए आर 45 है, अभी आर जीरो नहीं हुआ है, तो हमें इस प्रोसेस को तब तक करना है जब तक हमारे पास रिमाइंडर जीरो ना आ जाए. अब 90 डिविडेंड बन जाएगा और जो रिमाइंडर है वो आपका बन जाएगा डिविजर. 45 टू जा 90. अब हम 90 को लिखेंगे 45 मल्टीप्लाई 2. This 2 is our question, B multiply Q and plus 0. This cross is means 0. Now, हमारा remainder आ गया 0. और आपको याद रखना है, जब remainder 0 होता है, तो वो last divisor आपका HCF होता है. या आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि last जब आपने number को divide किया है, तो आपका remainder 0 आया. यहाँ remainder 0 नहीं था, आगे डिवाइड किया. यहां आपका रिमाइंडर जीरो नहीं था, फिर आगे डिवाइड किया और यहां आपका रिमाइंडर जीरो आ गया. इसका मतलब आपका सम सोल्व हो गया और लास्ट डिवीजर, और आप लिख सकते हैं एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इज 45. अब हम कर रहे हैं सेकंड पार्ट सम नंबर 1 का. 196 and 38,220. One is A, one is B. तो we are taking A as a larger. हमारा A है 38,220 and B है 196. A greater than B. Simple, जो हम पिछले क्लासों में division करते हैं पहले वैसे ही करना है. आप डिवाइड करेंगे इसको 196 से, तो 196 बन जा 196 और ये 2 आपने यहां से कैरी कर लिया. अब आप देखो 196 को आप 9 पे मल्टीप्लाई करो, आपके पास आ जाएगा 1764. तो पहले आपने 196 से डिवाइड किया, यहां आपने क्वेश्चन लिख दिया 1 एंड अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे और ये इसके बाद 5 पे जाएगा और ये नंबर कंप्लीट हो गया और आपके पास रिमाइंडर फर्स्ट स्टेप पे ही आ गया. पिछली बार जो आपने सम किया था आपके पास रिमाइंडर थर्ड या फोर्थ कंडीशन में आया था,
अब हमें लिखना है a इक्वल टू bq प्लस r की फॉर्म में, तो हम लिखेंगे 38220 इक्वल टू 196 मल्टीप्लाई 95 एंड रिमाइंडर 0, bq प्लस r, रिमाइंडर 0 है, तो दिस डिवीजर विल बी HCF. तो HCF ऑफ 196 38220, इनका HCF आएगा 196.